नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि मिशन और इस वक्त मैं हूँ अशोक तिवारी। अभी हम बुरना पंचायत में हैं और हम आपको बता दें कि बुरना पंचायत की मुखिया आशा देवी ने आज अपने पंचायत सरकार भवन में झंडोत्तोलन किया है और उनके पति कमिश्नर सिंह ने भी काफ़ी तत्परता से तमाम जितने भी आम जनता है सबको संबोधित किया है और झंडोत्तोलन करने का काम किया है। लगातार इस तरह ये लोग बराबर झंडोत्तोलन करते रहते हैं और तमाम आम जनता के लिए जो भी प्रयास होता है अथक प्रयास करते हैं लोग। आज भी झंडोत्तोलन हुआ है और लोगों को मिठाइयाँ बांटी गई है और सुभाष के साथ झंडोत्तोलन किया है। आज के दिन एक क्या तमाम अपने पंचायत के लोगों को मैसेज देना चाहेगा। आप देख रहे हैं हम लोग मैसेज देना चाहते हैं मुखिया आशा जी। आज पचहत्तरवां स्वतंत्रता दिवस आप लोगों ने मनाया अपनी पंचायत सरकार में। आप देख रहे हैं ये बुरना पंचायत है और बुरना पंचायत की मुखिया है आशा देवी। इन्होंने 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाई और काफ़ी धूमधाम से हर साल मनाते हैं और हर साल की भांति इस बार भी जबरदस्त तरीके से और पहले से भी ज़्यादा चहल पहल है। चूँकि निश्चित तौर से कमिश्नर सिंह जी काफ़ी जुझारू व्यक्ति है, काफ़ी सामाजिक व्यक्ति है और अपने समाज के लिए अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं, अपनी आम और जनता के लिए लगातार मरने का प्रयास करते हैं। इनको पता होने की देर है कि हमारे जनता को या हमारे पंचायत में किसी को कोई परेशानी है। लगातार तत्परतापूर्वक कहीं भी रहते हैं उन लोगों का सपोर्ट करने का काम करते हैं। अभी हमारे बीच शहीन से जानते हैं कि क्या बताना चाहेंगे जी, क्या कहना चाहेंगे आज। आज हम लोग 75वें गणतंत्र दिवस मना रहे हैं 15 अगस्त के शुभ अवसर पर। आज हम लोग पंचायत सरकार बरना के प्रांगणा में झंडा तोलन कार्यक्रम किए हैं सभी भाई लोग हम लोग एकत्र होकर के और हम लोग इस पंचायत के माननीय श्रीमती आशा देवी मुखिया हैं तो हम मांग करते हैं माननीय श्रीमती आशा देवी मुखिया से कि जो आपका 50% महिला को आरक्षण मिला गया है और सभी महिलाओं को आप अगले बार इसमें आप पंचायत में आइए तो सभी को आप 50% महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। मैं इस पंचायत को पूरा भोजपुर जिला में अगले बार एक बार अगर जनता मौका देती है हमें इसको पंचायत सरकार भवन के लिए आदर्श पंचायत सरकार भवन बनाने का काम। अच्छा, कमिश्नर सिंह जी अब एक नाम नहीं रह गए हैं, अपने आप में खास व्यक्ति बन चुके हैं। तो आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर तमाम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, आपकी आम जनता भी एकत्रित हुई है। निश्चित तौर से एक आवाज फिर हो गया है कि लिंगन तो करना ही अच्छी तरह बैठे थे तो राघवन जो भी भाषण में चर्चाएं हो रही थी कि नहीं तिरंगे की कसम है अब की बात फिर से भी हो गई। तो फिर से यदि आम जनता आपको यहाँ पर मुखिया बनाते हैं, आपके पति को मुखिया बनाते हैं तो आपकी आगामी योजना क्या है, क्या करेंगे? हमारी यहाँ आगामी योजना है कि हमारे जितना इस गरीबी पंचायत में हमारे है पहला प्राथमिकता हमारे गरीबी को दूर करना। एक भी हमारे राशन किराशन और ये इंदिरा आवास से वंचित नहीं रह जाएगा। मैं ये पहला प्राथमिकता हूँ। हमारे जो इस कोरोना काल में हमारे जितना रोजगार बाहर करने के लिए आदत है वे हमारे उद्योग मंत्री अनवाज हुसैन से मांग करेंगे कि हमारे पंचायत में उद्योग लगा दें कि हम अपने पंचायत को अपने पंचायत में रोजगार देने का काम करें। काफ़ी ही जुझारू और कर्मठ नेता माने जाते हैं और युवा नेता है। निश्चित तौर से अपनी कर्मठता और ईमानदारी से तमाम लोगों के दिलों पे ये राज करने का काम करते हैं। यहाँ तमाम लोग आए हुए हैं, इनकी जनता आई हुई है, इनके पंचायत के लोग आए हुए हैं। निश्चित तौर से इनकी कर्मठता कुट कुट के और चीख चीख के कह रही है कि यहाँ की जो जनता है उनसे काफ़ी खुश है और काफ़ी प्रसन्न है। और आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त के दिन तमाम तरीके से तमाम लोगों को ये बुलाते हैं और बहुत विधिवत तरीके से झंडोत्तोलन किया जाता है, झंडे को सलामी लोग देता है और पंचायत के प्रयास करते हैं कि हर गांव से लोग आ जाए। हमारे बीच यहाँ के कुछ और भी लोग हैं, इन लोगों से बात करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे इन लोगों का रुझान क्या है और आज जी क्या क्या परिचय हुआ आपका काका? नाम क्या हुआ आपका? हमारा नाम है कुशा मुसा।
उषा मुसा। हाँ अब की बार हमारा जमीन है। अच्छा हमारा कुछ अधिकार नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। अब की चुनाव मुखिया जी जीतेंगे कि नहीं ये बताइए। एकदम जीतेंगे। जीतेंगे ना। झंडा फहराए आप। एकदम झंडा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है आज 15 अगस्त है और आज आप लोगों ने झंडे की सलामी दी आप लोगों ने। हाँ तो ये बताइए कि क्या लगता है बरुना पंचायत फिर से रिन्यूअल करने वाली है या किसी नया चेहरा को? रिन्यूअल होगा सर। रिन्यूअल होगा यानी कि आपका दिन क्या बनेगी? आप क्या कहना चाहेंगे? तो कमिश्नर जी को फिर से रिन्यूअल करना चाहेंगे। ध्यान दीजिएगा आज 15 अगस्त है। आज जो भी बोलिएगा झंडे के नीचे है आप सही से बोलिए। एकदम मेरा आशा देवी को मुखिया बनाना है। बनाएंगे। अच्छा आप क्या कहेंगे? आशा देवी के काम से संतुष्ट है आप? आपकी बार मुखिया बनाएंगे तो आपका परिचय क्या हो? कहाँ गाँव? सितुहारी। आशा देवी बढ़िया काम कर रही है। हमको 17-72 बार कोमर हुए हैं ऐसा मुखिया हमको देखने को मिले। आप देख रहे हैं तमाम जनता काफी उग्र है और आज 15 अगस्त के दिन के तमाम लोगों ने शपथ लिया है कि हम अब की बार फिर से रिन्यूअल करेंगे और आशा देवी को मुखिया बनाएंगे। जी क्या कहना चाहेंगे? हम नहीं कह रहे हैं कुंवर सिंह की जनता प्यार कर रही है। कुंवर सिंह के साथ लग रहा है। आशा देवी से मुखिया को रिन्यूअल के तो आपकी बार मुखिया बनाएंगे और के बैठी हुई है। क्या बात है आप देख रहे हैं जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं हर जाति हर धर्म के लोग हैं और तमाम लोगों की एक ही आवाज है कि आशा देवी जैसे मुखिया अब तक नहीं हुई है अब की बार फिर से रिन्यूअल करना है और उनको जिताना है। मुखिया जीतेंगे। नाम क्या हुआ आपका? जटलू पासवान। अच्छा गांव कहाँ है? मणनपुर। मणनपुर। क्यों आप जिताएंगे इनको? जिताएंगे ये काम हमको अच्छा दिखाएं। बढ़िया काम को बहुत बहुत बढ़िया। यानी पक्का जिताइएगा? हाँ ये पंचायत भवन वाला सोच लीजिए कैमरे के सामने बोल रहे गलत बात बोलेंगे। जिता रहे हैं? हाँ जिता रहे हैं। आपका अच्छा परिचय क्या है? भोज के लिए आशा देवी जीतेगा। तमाम लोग आपको देख रहे हैं। जो पुराने मुखिया है या जो लड़ने वाले हैं वो भी देख रहे हैं। सामने डर नहीं ना है? तनपुर डर नहीं ना रहे हैं? जीतेंगे भाई। बाकी आप देख रहे हैं बरुना पंचायत की तमाम जनता आगाज की है और कमर कसली है कि अब की बार रिन्यूअल तो आशा देवी और कोई नहीं जीतने वाला है आशा देवी जीतेगी। तो कहीं ना कहीं देखिए कुछ भी कहा जाए कहीं ना कहीं आपका जो वर्क है वो बोलता है। यदि आप सही तरीके से काम करेंगे तो निश्चित तौर से बोलेगा। आज का जो युग है ये जो समय चल रहा है यहाँ आप किसी को आप बुला नहीं सकते किसी को अपने बस में नहीं कर सकते। जनता आजाद है और जिस तरह आज 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था उसी तरह आज फिर से लोगों के अंदर एक उमंग है एक उत्साह है कि नहीं हम आजाद हैं और आजाद होके फ्रीडम होके कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारी मुखिया लोगों का कहना है कि हमारी मुखिया आशा देवी है और रहेगी क्योंकि इनके काम से हम लोग खुश हैं। जी क्या परिचय हुआ आपका? मनीर अहमद। मनीर जी कहाँ के रहने वाले? मणनपुर। क्या लगता है कि अपनी बार आशा देवी फिर से मुखिया बनी? बहुत बेहतरीन। जिताएंगे? क्यों जिताएंगे? कार्यक्रम अच्छा होता। तो इस तरह लगातार जितने भी लोग हैं ये तमाम लोग क्या पता हुआ? मेरा घर मणनपुर में शादा। अच्छा जी मैं इन मुखिया जी का बहुत फुल सपोर्टर हूँ। क्यों? क्योंकि ये पूरा गंदगी का मणनपुर पूरा गंदगी सब वार्ड में फैलैया करवा दिए। ऐसा किसी के मुखिया में नहीं हुआ। आपका उम्र कितना हुआ? मेरा उम्र 18 वर्ष। आप देख रहे हैं जो बुजुर्ग हैं सो तो हैं ही यहाँ युवा भी तैनात हैं और युवाओं का कहना है कि अब की बार यहाँ मणनपुर गांव के जो मुखिया है यानी कि बरुना पंचायत की मुखिया आशा देवी को चुनाव जिताना है। और देखिए कुछ बताए हैं आइए लोगों से जानते हैं कहाँ 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 हुआ। देखिए उधर देखिए सब लोग आपको देख रहे हैं। वोट किसको देंगे अब की बार? आशा देवी के। उनको जिताना है? जिताना है। आप किसको जिताएंगे? हमरा आशा देवी को जिताएंगे। क्यों
काम बढ़िया कर रही है। चलिए तो ये तमाम लोगों की एक ही आवाज है, एक सुर है। आज 15 अगस्त के दिन तमाम लोग झंडे के नीचे एक शपथ लिया है। पता नहीं कौन सी क्या कहा जा सकता है, चूंकि सच्चाई तो यही है कि जब कोई काम नहीं करता है उसका कहीं से भी कोई प्रशंसा नहीं की जाती है, तो कहीं ना कहीं प्रशंसा के पात्र ये लोग हैं, तो कहीं ना कहीं इनका वर्क दिख रहा धरातल पे। तो तमाम लोग की एक आवाज है और इन लोगों ने शपथ लिया है कि नहीं अब की बार फिर से आशा देवी को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा चाचा अभी हैं जी, बताइए कहाँ काम हुआ आपका? इधर आ जाइए, इधर मरनपुर। तो मरनपुर कहाँ है, तो अब की बार आप मुखिया बदलने का प्रयास कर रहे हैं ना? नहीं वही बनाएंगे, अशोक देवी बनाइएगा। कहाँ है? बहुत विकास हुआ है आज तो कभी। अच्छा अच्छा, आज तो कभी विकास ही नहीं हुआ है, कितना मुखिया है, कितना अच्छा विकास है, अच्छा विकास हुआ है। वाह, साढ़े 3 साल का अधिक। आप देख रहे हैं हर जाति धर्म के लोग हैं और एक सूर में एक ही बात कह रहे हैं कि नहीं अब की बार आशा देवी को फिर से मुखिया बनाना है। जी क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र तिवारी है, बरनपुर के रहने वाले। जी जी, क्या लगता है आशा देवी मुखिया बन जाएंगे? लगता क्या है, इनका काम भी बोल रहा है, सारा जनता बोल रहा है, कोई विकल्प नहीं दिया, कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। आप देख रहे हैं कोई विकल्प नहीं दिखा यहाँ के लोग, यहाँ आप देख रहे हैं हर जाति धर्म से मैं आप लोगों को मिलवा रहा हूँ और ऐसा नहीं है कि किसी तरह का कोई सिखाया पढ़ाया लोग है। सिखाया पढ़ाए लोग इतने सुर और स्वर में नहीं बोल सकते हैं। निश्चित तौर से ये लोगों के अंदर एक जिज्ञासा है कि नहीं इस तरह की ही मुखिया होना जरूरी है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों का विकास दिख रहा है। क्या नाम है? मोहम्मद दिलशाद नाम पड़ेगा। अच्छा सही है। आप क्या लगता है मुखिया आशा देवी यहाँ की बेहतरीन मुखिया है? कोई भी मुखिया दोबारा नहीं जीता है, मगर इस बार हम लोग इनको जीता कर रहेंगे और दोबारा चांस भी दिया जाएगा, दोबारा जीतेंगे। बहुत सुंदर। आप देख रहे हैं तमाम युवा पीढ़ी, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सब लोगों की एक ही आवाज है, क्या हार में क्या जीत में चिंतित नहीं, भयभीत नहीं, कर्तव्य मार्ग पर खड़े रहो, ये भी सही होगी सही। तो इस तरह इन्होंने जो अपने आप को अपनी छवि बनाई है, जो अपनी पहचान बनाई है, वाकई तारीफ काबिल है। और निश्चित तौर से यदि इस तरह जिस तरह यहाँ की आम जनता जागरूक है तो निश्चित तौर से सफलता मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। समृद्धि न्यूज चैनल से सुख कैमरा पर्सन राजेश के साथ। थैंक यू।